हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज 6 जुलाई एंड आज 3-4 दिन हो गया मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए, क्योंकि यार डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल सर्टिफिकेट्स में बहुत बिजी था, जो हमें जम्मू में सबमिट करवाने हैं। एंड आज फाइनली सब कंप्लीट हुआ है, तो आज मैं सारी अपडेट्स दूंगा क्या क्या हुआ क्या नहीं। उससे पहले यार अभी जिम का टाइम हो चुका है, तो जिम चलते हैं। मैं अपनी मिल्क शेक रेडी करता हूँ एंड बताऊंगा आपको जिम के बाद कि क्या क्या हुआ क्या नहीं। एंड यार कल बैक ट्रेन की थी मैंने, हैवी डेडलिफ्ट से लगाई थी एंड इतने टाइम बाद बैक ट्रेन की अच्छे से, पूरी बॉडी सो रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है, मिलते हैं हम जिम के बाद। तो मिल्क शेक मेरा रेडी हो गया एंड मैं पी रहा हूँ। एंड मुझे कोई पूछा था कि मैं डायरेक्ट जग से क्यों पीता हूँ, तो बात यह है कि सबसे पहले तो मैं यार बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मुझसे मग में नहीं डाला जाता यार, बहुत मुश्किल लगता है मग में डालना। एंड उसके बाद ये कि इसमें इजीली पिया जाता है, क्योंकि मग दो बन जाते हैं, पिए जाते नहीं हैं। इसमें ऐसा लगता है कि एक ही है, बस कंप्लीट करके खड़ा होना है, तो इसीलिए मैं इसमें पीता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात तो ये, मैं आलसी हूँ। ओए पैरी, आ गई तू? आ गई पैरू? हेलो, हाय बोल दो पैरू, हाय बोल दो, हाय नहीं बोलेगी। पैरी कहाँ पे गई? पैरी किधर गई? ओए पैरू आ गया, कहाँ गया था? गंदी हुई बैठी, नहाने वाली है तू, नहा दो लिया कर। हैं देखी तू भी आलसी है, तू बता रही है ना कि तू भी आलसी है ना पैरू, है ना? पैरी पूरा टाइम ऐसे ही करती है, मेरे ऊपर चढ़ जाती है एंड इसको ये होता है टेंशन चाहिए पूरा टाइम, ना बुलाऊं तो भाई मारती है, अपने पंजे से मेरा पैर खींचने लग जाती है कि बुला अभी मेरे को बुला, टेंशन दे। अभी उसे गई है अपना टॉय उठाने। ये लो भाई टॉय, तूने बेड पे लाके क्यों रखा है? ओए पैरी इवॉल्व हो रही है तू, पैरी इवॉल्व हो जा रही है, हैं पैरी हैं? For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record. तो अभी जिम का सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अभी जल्दी जल्दी नहा लेते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या क्या हुआ पिछले दिनों में। ओके सो अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ एंड स्पेशल फॉर्मल्स पहने मैंने एंड बहुत टाइम बाद पहना हुआ, तो रिंकल्स आए थोड़े, कोई नहीं थोड़ा सा सह लेना। एंड मैं आज कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ जो मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में थे। उससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे लोन एंड मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स का क्या हुआ। तो मेरे लोन का प्रोसेस तो पूरा कंप्लीट था एंड मेरे डॉक्यूमेंट जम्मू पहुंचे हैं कल ही, तो अभी मेरी फीस हो जाएगी डिपॉजिट कल या परसों तक, वो करवा देंगे एंड मैं फिर लैपटॉप भी ले लूंगा। एंड रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट्स की, तो आई एम जम्मू की तरफ से हमें एक लिस्ट मिली थी, ये टेस्ट आपको करवाने हैं, इसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो टेस्ट मैंने करवा लिए हैं। उसके बाद कुछ साइन भी करवाने थे, तो कल का पूरा दिन एंड आज का भी थोड़ा टाइम चला गया उसमें, बट अभी सब कम्प्लीट हो चुका है एंड कल सब हो जाएगा आई थिंक, होपफुली फीस भी हो जाए। अभी मैं सोचा था कि मैं अपनी प्रोफाइल का इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो मेरी प्रोफाइल है, 10th में थे मेरे 9 CGPA CBSE बोर्ड, 12th में थे मेरे 81% एंड बीकॉम में मेरे एग्रीगेट बने 71%, 71 समथिंग है तो 71, एंड कैट में मेरी परसेंटाइज थी 91.03 एंड मैं EWS कैटेगरी से हूँ एंड हाँ ये जेन्युइन है, मैंने कोई धोखेधड़ी वाले EWS सर्टिफिकेट ही बनवाया, क्योंकि बहुत घपला चलता है, पता नहीं घपले को अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बहुत चल रहा है EWS, बहुत लोग फेक बनवा रहे हैं, जेन्युइन है मेरा एंड जेन्युइन केस है। तो ये मेरी प्रोफाइल थी, मुझे कोई छुपाना नहीं इसमें कि मेरे पास कोटा था तो था, मेरी कैटेगरी थी, बिल्कुल जेन्युइन है। यही दिखाने वाला हूँ मैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी कुछ कर सकता है, तो थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ बट ठीक है, मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ अपने व्लॉग्स में कि अभी मैं कहाँ हूँ, मैं कैसी लाइफस्टाइल जीता हूँ, आने वाले सालों में कैसे सब चेंज होने वाला है, मैं सब कुछ चेंज करूँगा, कैसे हम रहते हैं, क्या हमारी लाइफस्टाइल है, वो सब चेंज होने वाला है, तो बने रहना।
ये जर्नी बहुत बड़ी होने वाली है एंड बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि लाइक हाँ फाइनली मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। सो देखते हैं क्या होता है इस जर्नी में, बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। ओके सब इमोशनल पार्ट छोड़ते हैं अभी, एंड मैं बताता हूँ मेरी मीटिंग्स के क्या चल रहे हैं। मैं फाइनली कुछ नए फ्रेंड्स बना रहा हूँ, एंड बहुत टाइम बाद हो रहा है कि मैं कुछ नए फ्रेंड्स बना रहा हूँ। अगर आप भी मेरे फ्रेंड हो ना तो आपको पता होगा कि हम कितने सालों से फ्रेंड हैं। कुछ आने वाले ये सालों में मैंने कुछ भी नए फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं, कोविड की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से भी, एंड वैसे भी मेरी बातचीत कम ही होती थी लोगों से। बट मैं अभी फिर से सोशलाइज कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ लोगों के साथ, एंड नए फ्रेंड्स बन रहे हैं। हम बहुत मस्ती कर रहे हैं, हम बहुत गेम्स खेल रहे हैं, एंड मैंने अमंग अस खेलनी भी सीख दी है। मैं अभी चैंपियन होने वाला हूँ, वैसे मुझे खेलनी नहीं आ रही है। ओके सो जल्दी ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, कुछ 10-15 ही बाकी हैं। 100 सब्सक्राइबर पर मैं करने वाला हूँ एक डेयर जो मुझे मेरे नए फ्रेंड्स देने वाले हैं जम्मू वाले, एंड मुझे पता है वो डेयर खतरनाक होने वाला है। तो जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करा दो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज कर देना यार। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड टाइम। क्या बोलूँ, भूल गया।